तो हे गाइस लेके आ गए हैं इस बार आपके लिए काफी अमेजिंग प्रोडक्ट और काफी सारे प्रोडक्ट, मतलब इतना बड़ा डब्बा भर के प्रोडक्ट आपके लिए लेके आया हूं। और देखो बता देता हूँ कि ये सारे प्रोडक्ट मैंने जो है करीबन 1200-1300 रुपए का खर्च कर दिए इस बार। हाँ, इस बार थोड़ा सा बजट बढ़ा दिया है मैंने सिर्फ आप सबके लिए, क्योंकि मुझे पता है आप सब मुझे बहुत अच्छा प्यार दे रहे हो, लाइक कर रहे हो, मेरे वीडियोस को इंजॉय कर रहे हो मेरे वीडियोस में, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए और अमेजिंग वीडियोस लाई जाए, अमेजिंग प्रोडक्ट लाई जाए। इस बार मैंने करीबन 7-8 प्रोडक्ट लाया हूँ जो आपके डेली लाइफ में काफी ज्यादा यूज करेगा, और अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो ये डेफिनेटली काम करेगा ये प्रोडक्ट। तो चलिए प्रोडक्ट को निकालते हैं और देखते हैं, सबका प्राइस और सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए पहले प्रोडक्ट देखते हैं। तो करते हैं इसे खाली, आप मतलब देख सकते हो कि इतना सादा प्रोडक्ट है। तो देखो प्रोडक्ट तो काफी सारे हैं, सोच रहा हूँ कि किससे स्टार्ट करूं, मतलब अक्कड़ अक्कड़ कर लूं या ऐसे ही कर लूं स्टार्ट। चल छोड़ो ऐसे ही करते हैं। तो भूख लग गया था तो सोचा क्यों ना अपने लिए बिस्किट भी मंगा लिया था मैंने, तो ये एक इस तरह से डब्बे में, डब्बा थोड़ा सा फटा हुआ है पता नहीं मुझे क्यों, बट कोई बात नहीं। तो ये एक बिस्किट है, अरे ये तो कट नहीं रहा, एक्चुअल में ये एक बिस्किट नहीं है, ये है एक डायरी। हाँ भाई, मतलब बिस्किट के डिजाइन का जो आपको एक डायरी मिलता है सो काफी यूनिक, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें स्मेल भी पूरा बिस्किट के जैसा है, मतलब सीरियसली गाइस एकदम, मतलब काफी अमेजिंग प्रोडक्ट मुझे दिखा। और इसमें दो डिजाइन आते हैं, पहला तो ये पूरा है और दूसरा एक खाया हुआ बिस्किट भी मिला, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं गोटा मंगाऊं, तो मैंने फुल बिस्किट मंगाई। मैं बता दूं यहाँ पूरा रबड़ है और राउंड है, इसमें लिखा हुआ है राउंड लवली बिस्किट। हाँ, और इसमें काफी सारे वाइल्ड पेजेस हैं जिसमें आप कुछ नोट वगैरह लिख सकते हो, छोटी मोटी चीजें लिख सकते हो, तो ये अपने डेस्क पर रख सकते हो, सो देखने में भी प्यारा लगेगा और प्यारा तो है ही फिर, तो ये अच्छा लगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक जरूर करना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर। पता है गर्मियां आ चुकी है, मतलब गर्मियां जा चुकी है, हाँ, और सर्दियां आ चुकी है, तो देखो उस समय ना सर्दियों में क्या होता है ना, मच्छर बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये मुझे काफी सस्ता प्रोडक्ट दिखा था, काफी सस्ता, तो मैंने सोचा क्यों ना ऑर्डर किया जाए। तो ये एक बल्ब है, बल्ब मैं बता दूं 12 वाट का, हाँ यहाँ पे 12 वाट लिखा हुआ है, 12 वाट का बल्ब है जिससे मच्छर भागते हैं। हाँ, इसमें ऐसा ही लिखा हुआ कि इसमें जो है मच्छर मक्खियां ये सारी चीजें जो है भागती है, कि इसके अंदर जो है एक बल्ब दे रखा है और आगे पीछे ब्लू लाइट वगैरह लगी हुई है, आप इसको बल्ब को लगाओगे और मच्छरे भागेंगे। बट हाँ, मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर और कुछ भी निकला, ये जो बल्ब है ये नॉर्मल जो है आपके होल्डर होते हैं उस होल्डर से चलेगा, इसके लिए आपको स्पेशल होल्डर आता है वो आपको लगाना पड़ेगा तभी ये जो बल्ब है ये चलेगा। तो इसको आप अपने कहीं पे भी लगा सकते हो और मच्छर से मुक्ति पा सकते हो। और इसका प्राइस बस, ये खुलेगा क्या, नहीं ऐसे घूमता नहीं, और इसका प्राइस बस 50 रुपीज़ का है, 50 रुपीज़ ओनली बस। तो चलिए ये तो मुझे अच्छा लगा, अब ये वर्क करेगा कि नहीं ये देखना पड़ेगा। अभी मेरे पास एक्चुअल में तो ये पता नहीं था मुझे कि ऐसा आएगा, बट कोई बात नहीं, इसके लिए मुझे वो जुगाड़ लाना पड़ेगा। अपने दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा गंदगी से भरा हुआ है, हाँ मतलब नहीं, गंदगी तो हम करते हैं, ये उसे साफ करता है। तो ये एक छोटा सा मिनी सा वैक्यूम क्लीनर है गाइस, हाँ, तो ये एक वैक्यूम क्लीनर है, देख सकते हो लुक जो है काफी ज्यादा प्यारा है। हाँ, बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत ज्यादा लो है, और इस तरह से ये ओपन हो जाता है और इस तरह से ये लॉक भी हो जाता है, इस तरह से आप यहाँ पे जो भी कचरा वगैरह है वो जमा करके फेंक सकते हो और लग जाओ। हाँ, तो इस तरह से ये लॉक और अनलॉक होता है। यहाँ पे दो अटैचमेंट दे रखे हैं, एक तो ये नॉर्मल पाइप के जैसा है जिससे आप सारे कचड़े साफ कर सकते हो, दूसरा एक ब्रश के जैसा है, सो नीचे ब्रश भी और यहाँ पे होल दिया है जिससे आप अपने सारे डस्ट जो है क्लीन कर सकते हो। तो ये भी मुझे काफी अच्छे प्राइस में मिला, तो इस तरह से आप अपने लैपटॉप वगैरह को भी क्लीन कर सकते हो, और छोटी मोटी जगह जहाँ आपके हाथ नहीं जाते वहाँ ये जरूर जाएगा और अच्छे से साफ करेगा। यहाँ पे यूएसबी केबल दे रखा है जिसको आप डायरेक्ट अपने चार्जर से या पावर बैंक से लाइट देके यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक लाइट भी दे रखा है, तो ये भी काफी सस्ता और यूजफुल प्रोडक्ट है, काफी घर के ऐसे जगह है जहाँ आप इसे यूज कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट कितना ज्यादा यूजफुल है। तो गाइस, नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा खाने से रिलेटेड है, हाँ मतलब ये एक प्यारा सा दिखने वाला जो है एक जूसर है, जूसर तो आ रहा है ना, वो आ रहा है तो इसके अंदर ये है, हाँ तो ये भी आ रहा है। तो इस तरह से ये तीन पार्ट में जो हमारा एक जूसर निकला है, ये तीन पार्ट में, तो पहला ये, दूसरा ये, हाँ तो ये एक जूसर है जो कि काफी स्टाइलिंग और लुक सा है एकदम, देख सकते हो टेंट जैसा लुक है इसका, और इसमें आप अपने जो है संतरा वगैरह का जूस निकाल सकते हो। तो करना कुछ नहीं होता है आपको, आपको संतरा को हाफ एंड कट करना होता है, देन संतरा को आपको यहाँ डालना है और इससे आपको प्रेस करना है, जितने भी जूसेज होंगे वो इसके अंदर जो है जमा हो जाएगा। ये भी काफी अच्छे प्राइस में मिला था, एक्सप्रेस जूस अपने हाथों से निकाल के पी सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं, हमारा ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा निकला, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो अभी तक तो आप लाइक कर सकते हो, हाँ ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपको ऐसी वीडियोस मेरे चैनल पर मिलती ही रहेगी। हाँ, इस बार थोड़ी लेट मिली है बट कोई बात नहीं, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट के ऊपर। तो अगला प्रोडक्ट हमारा ये भी सर्दियों से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो मैं दिखाता हूँ कि ये क्या है। सबसे पहले तो हमें एक चार्जर देखने को मिलता है जो कि माइक्रो यूएसबी चार्जर है, और ये एक बेल्ट,
हाँ अभी आपको पता है सर्दियों में हमें कहीं पे भी बैठ के काम करना होता है, काफी देर अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो पीठ हमारी अकड़ जाती है, थोड़ा सा पेन होने लगता है अलग सा, तो ये बेल्ट आपका काफी ज्यादा काम आएगा। अब ये 2-in-1 बेल्ट है कैसे, एक तो ये पहली बात ये बेल्ट है जो आप पीठ में पहन सकते हो, तो देन दूसरा काम ये करता है कि यहाँ पे एक बटन भी दे रखा है जिसको आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये मसाज ठीक करेगा एक तरफ से, ठीक है, तो ये आपके पीठ को सीधा रखने में मदद करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है, आवाज भी आ रहा है ना, तो ये आपके पीठ को रखने में कुछ इस तरह से इसको पहनना होता है। तो पहला तो ये हो गया, देन दूसरा कुछ इस तरह से पहन सकते हो आप, हाँ ये देख लेना बेल्ट सीधा हो और इस तरह से कुछ पीठ में हमारे लग जाएगा। सो अभी थोड़ा मोटा कपड़ा पहन रखा है मैंने तो जैसे तैसे होगा, बट इसी तरह से लगता है ये, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा तो मैंने ऑर्डर कर लिया, और आपको भी ये काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इसको पहन के क्योंकि ये आपके पीठ को टेढ़ा नहीं होने देगा। तो ये लड़की यही बताने की कोशिश कर रही है तो मैंने भी आपको बता दिया, तो ये भी काफ़ी अच्छे प्राइस में मुझे दिखा है तो मैंने सोचा क्यों ना आप अपने टेढ़े पीठ को सीधा करने के लिए इसे यूज़ करो, तो मैंने ले आया आपके लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट के ऊपर, और इसे कुछ नहीं करना होता, चार्ज करना है और यूज़ करना है, बस सिंपल सा प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा मतलब सर्दियों में बहुत ज़्यादा काम का प्रोडक्ट है। तो देखते हैं अगला प्रोडक्ट हमारा क्या है। अगला प्रोडक्ट भी हमारा बॉडी से रिलेटेड है, तो ये एक छोटू सा मसाजर है। हाँ अब ये किस तरह से काम करेगा ये मुझे भी नहीं पता अभी, चलिए चेक करते हैं। तो डब्बे में देखने को मिलता है एक इस तरह का कुछ डिवाइस जो कि बटरफ्लाई के जैसा है, और इसके अंदर एक चार्जर मिलता है, ठीक है, और कुछ नहीं है, तो इसको करना कुछ नहीं होता। यहाँ पे देख सकते हो एक डिस्प्ले दे रखा है, देन यहाँ पे 3 बटन है, पहला है प्लस माइनस है मूड का, जिससे आप अपने मूड को चेंज कर सकते हो, मूड को नहीं मोड को चेंज कर सकते हो, मूड तो ऐसे भी खराब हो जाता है हमारा। यहाँ पे जो है ग्लू लगा हुआ है जिससे आप इसे निकालना होता है, चलिए निकाल के देखते हैं, ये कुछ इस तरह से निकल जाता है, और यहाँ पे कुछ चिपचिपा सा ग्लू है, देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये इतने सस्ता प्रोडक्ट वर्क करेगा मुझे तो नहीं पता, चलो चेक करते हैं। तो इसे आई थिंक ऐसा कुछ पहनना होता है, ठीक है मैंने लगा लिया, ऑन करते हैं, ऑन हो गया, ओ भाई लग जाएगा गाइस, ये करंट मार रहा है कसम से बता रहा हूँ मैं, ये आप मेरे हाथ देख सकते हो ये किस तरह से ये 2 उंगली हिल रही है, और ये 3 पैर सिर्फ, अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ये और फास्ट हो रहा है गाइस, बड़ा कमाल का प्रोडक्ट है। बट इसका ग्लू जो है बहुत सा ढीला है, मतलब ग्लू में ज़्यादा पावर नहीं है, ये छोड़ दे रहा है, चलिए मोड चेंज कर। ओ भाई साहब कते जहर प्रोडक्ट है ये, इस मतलब डेफिनेटली आई थिंक मसाज होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट ये किसी को प्रैंक करने के लिए बड़ा तगड़ा सा प्रोडक्ट है भाई, कते जहर करंट लग रहा है इससे, और अगर इसको बढ़ाता हूँ मैं तो ये तो सिर्फ अभी 3 पे है तो मेरा ये हाल है, देखो आप इस किस तरह से ये उंगली दब रही है मेरी भाई, ये खतरनाक प्रोडक्ट है, और अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ये अभी देखता हूँ कितना ज़्यादा दर्द दे सकती है ये भाई, 19 तक इसका लास्ट है। ओ भाई साहब आप देख सकते हो मेरी उंगलियां जो है ऑटोमेटिक, मैं नहीं चाह के भी मेरी उंगलियां मुड़ जा रही है, तो ये काफी ज्यादा मतलब अजीबो गरीब प्रोडक्ट है, मतलब मसाज होगा नहीं होगा, करेंट तो बड़ा तगड़ा सा लग रहा है, तो मुझे काफी अच्छा लगा ये प्रोडक्ट, किसी को प्रैंक करना देन डेफिनेटली ये यूज हो सकता है, मसाज होगा कि नहीं बता, बट प्रोडक्ट काम का है, काफी झटका लग रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मूड दे रखे हैं इसमें, तो आप अलग अलग तरह से झटके जो है खा सकते हो, तो ये प्रोडक्ट काफी अच्छा वर्क कर रहा है, ये शायद आई थिंक 50 रुपए के करीबन करीबन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्राइस वगैरह भी वहीं मेंशन है, आप जरूर चेक कर लेना। तो चलिए अपने बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट के ऊपर, देखते हैं हमारा अगला प्रोडक्ट कितना ज्यादा यूनिक है। सो गाइस अगला प्रोडक्ट थोड़ा सा बड़ा है, अब ये बड़ा क्यों है मैं बताता हूँ, क्योंकि इसका बड़ा है इसीलिए ये बड़ा है, सिंपल सी बात है गाइस। हाँ तो ये है कुछ डब्बे में इस तरह से प्रोडक्ट आया है, तो ये कुछ नहीं एक शू रेक है गाइस, हाँ, और ये एक दो नहीं 6 लेयर का शू रेक है, इसको आप पर्सनली अपने रूम में लगा सकते हो क्योंकि एक थोड़ा सा डिजाइनर शू रेक है, नॉर्मल शू रेक तो आपने काफी सारे देखेंगे बट ये शू रेक थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों क्योंकि मैं बताता हूँ, तो इसको कुछ नहीं करना होता, ये इस तरह से ब्लेड दे रखा है, यहाँ पे आपको अटैचमेंट दे रखा है, तो इस तरह से आपको ये सारे के सारे अटैचमेंट लगाने होते हैं, तो इस तरह से मैंने लगा दिया, देन यहाँ पे दे रखा है, तो आपको इस तरह से सारे के सारे अटैचमेंट लगाने हैं, और ये सीढ़ी बाई सीढ़ी खड़ा हो जाएगा, हाँ बट इसे अच्छे से लगाना होता है, जितना अच्छे से लगाओगे उतना अच्छा लगेगा देखने में, तो इस तरह से आपको इसे मेहनत करके और सीढ़ी बनानी है, तो ये तो एक पजल के जैसा है, मतलब ठीक है ना, पजल वाला फील आ रहा है इसको बनाने में, तो जैसे आप इसमें अपने शूज को रख सकते हो, क्वालिटी ठीक है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं बोल सकते और ज़्यादा खराब भी नहीं बोल सकते, हाँ थोड़ा सा कलर अगर अलग होता तो डैन और मज़ा आता, क्योंकि जब मैंने फोटोज़ देखे थे काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स थे, बट ये भी अच्छा है, तो यहाँ पे आप इजीली अपने शूज़ को रख सकते हो, स्पेस ठीक है,
यहाँ पे आपने रूम वगैरह में भी रख सकते हैं उसको, अच्छा है। तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये डिफरेंट टाइप के स्टोर एक दिखाई जाए ताकि आप भी अपने रूम को शूज से सजा सको। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रोडक्ट के ऊपर। सो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर देना गाइस। सो गाइस आखिरी प्रोडक्ट काफी ज्यादा वियर्ड है, हाँ मतलब वो वाला बियर्ड नहीं, डिफरेंट 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 कुछ ऐसा अलग अद्भुत सा प्रोडक्ट है। मतलब मुझे अजीब सा लगा, मैंने सोचा चलो यार किया जाए ऑर्डर, काफी महंगा भी है ये थोड़ा सा प्रोडक्ट। हाँ ये आई थिंक 200 रुपये के या 250-300 रुपये के करीबन था। तो ये कुछ नहीं, ये प्रोडक्ट का कवर था और इसी क्वालिटी में ये एक बैग मिला। सो अब मैं बता देता हूँ कि ये बैग है क्या। ये एक्चुअल में एक जैसा कि आप बीन बैग आपने देखा होगा, तो ये बीन बैग की तरह ही एक बैग है जिसको खोलने से कुछ इस तरह से लंबा हो जाता है और काफी लंबा है, ठीक है। इसके अंदर एक बैग दे रखा है जो कि कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है और इसके अंदर पूरी की पूरी प्लास्टिक लगी हुई है, ठीक है। और इसके अंदर हवा भरना होता है। अब मुझे ये नहीं समझ आया कि इन्होंने कुछ हवा भरने के लिए दिया तो नहीं, हवा कैसे भरा जाए मुंह से। तो इसके अंदर हवा भरना और हवा भर के और उसके बाद आप इसमें बैठ सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि ये वर्क करेगा। तो चलिए चेक करते हैं कि ये कितना ज्यादा वर्क करता है। तो गाइस देख सकते हो ये कुछ इस तरह से जो है पूरा का पूरा बड़ा हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे दो अलग से कंपार्टमेंट है, मतलब कि एक अलग साइड का और एक अलग साइड का, तो दो अलग है। बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसमें हवा भर भी कैसे जाए। हवा भरेंगे तो भी हवा तो नहीं भरा है, मतलब हाँ एक काम जरूर कर सकते हैं इसमें, या तो हम ड्रायर से हवा भर सकते हैं, नहीं तो हम फैन का यूज कर सकते हैं हवा भरने के लिए। तो चलिए हम फैन का यूज करते हैं। तो गाइस इसमें हवा तो मैंने ऑलमोस्ट मतलब ज्यादा नहीं बट हाँ भर तो लिया है। अब यहाँ पे इसे लॉक करने का होता है तो इसे लॉक करते हैं। लॉक हो चुका है तो कुछ इस तरह से ये टाइट होता है, मुझे तो यही तरह इसी तरह से होता है। काम नहीं किया, बिल्कुल भी फालतू सा प्रोडक्ट है, मतलब बिल्कुल फालतू सा प्रोडक्ट है। हवा तो निकल गया पूरा का एक बार, ये ओपन हो जा रहा है, बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल मत। सो चलिए गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज दबा दो ना जल्दी से सब्सक्राइब बटन ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल पे और भी काफी सारे वीडियोस हैं, आप चाहो तो जाकर चेक कर सकते हो, देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। मिलते हैं अगले अनबॉक्सिंग के वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।